Welcome back and welcome to this lecture number 2 of the basic math used for the physics. अब इसमें हम पढ़ेंगे हमारा integration, जिससे बहुत students घबराते भी हैं. तो differentiation तो वो कर लेते हैं, but there is a vast fear of integration. आज हम पढ़ेंगे integration के बारे में, और integration में पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या है, मीनिंग जो एक तो हो गया आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, अदर मीनिंग्स भी हैं इसके, तो वो हम बाद में ही देखेंगे, वो डिटेल में हम देखेंगे. सबसे पहले जो आसान सा मतलब है, आसान सा मीनिंग है इंटीग्रेशन का, वो क्या है वो देखेंगे. तो इंटीग्रेशन इज नथिंग बट रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन. It is the reverse of differentiation. यह है reverse of the differentiation. Differentiation में क्या करते थे हम? Differentiation में हम करते थे कि एक wholesome quantity थी, उसका हमें अगर small part निकालना हो, ठीक है? तो इसमें क्या करेंगे, हमें स्मॉल क्वांटिटी दी होगी और उसका हम होल पार्ट निकालें, तो ये होगा मतलब रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन. क्लियर? अब सेकंड पार्ट जो हम देखेंगे उसका फॉर्मूले. तो आप फॉर्मूला पहले देख लो कि जो भी आपने पढ़ा है डिफरेंशिएशन के, साइन कॉस साइन टैन जो भी फॉर्मूले हैं, उनका जस्ट रिवर्स होगा. उनका जस्ट क्या होगा? रिवर्स मतलब फॉर्मूला जो डिफरेंशिएशन है उनका रिवर्स कर देना है. फॉर एग्जाम्पल कि हम अगर देखें डिफरेंशिएशन ऑफ माय साइन एक्स इज कॉस एक्स, तो कॉस एक्स क्या, सॉरी, तो कॉस एक्स का क्या होगा इंटीग्रेशन? कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा माय साइन एक्स, ठीक है. अगर डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स का जो कि होता है माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का क्या होगा? साइन एक्स का होगा माइनस कॉस एक्स. देखो यहां पर माइनस था तो यहां पर भी माइनस आ गया, यहां पर प्लस था तो प्लस ही रहा. और ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो कि हम इजिली रिमेंबर कर सकते हैं. जस्ट अगर आपको इसका भी फॉर्मूला पता है डिफरेंशिएशन के, तो आप इजिली इसके फॉर्मूले लर्न कर सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो. तो एक बार में मैं जल्दी जल्दी जो भी फॉर्मूले हैं वो लिख देता हूं, तो आप वो जल्दी नोट करो. तो मैंने यहां पर सिंपल जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं वही बताए हैं, बिकॉज जो आज का टॉपिक है वो इंटीग्रेशन को समझना है, नॉट कि फॉर्मूले उसके सम्स कैसे हमने सॉल्व कर रहे हैं. जस्ट आप इंटीग्रेशन का आइडिया दो, क्योंकि इंटीग्रेशन में ही प्रॉब्लम आती है. क्योंकि फिजिक्स में जब भी हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन, कब यूज करना है कब नहीं करना है, डिफरेंशिएशन कब यूज करना है कब नहीं करना है, तो उसकी प्रॉब्लम बहुत होती है. तो अगर आप इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ लेते हो तो आपको पता लग जाएगा हमने कब इंटीग्रेशन करना है. क्योंकि फिजिक्स में आपको कोई नहीं बताता कि किस पॉइंट पे कहां इंटीग्रेशन आना है, ठीक है. तो इसी मकसद से मैंने ये जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं वही बताए हैं. तो आप बुक से, जो मैथ्स की बुक्स होती हैं या इवन फिजिक्स की बुक्स के स्टार्टिंग पेज में ही बहुत सारे फॉर्मूले लिखे होते हैं, वो आपसे वहां से नोट कर सकते हैं. अब आते हैं मीनिंग. अब आते हैं इसकी मीनिंग पे. पहला मीनिंग तो यही होगा कि इट इज अ रिवर्स ऑफ द डिफरेंशिएशन, ठीक है. मतलब अगर हमने
पहले भी बताया था मैंने शुरुआत में वीडियो के कि अगर हमारे पास एक स्मॉल क्वांटिटी है तो उसको हम होल पार्ट कैसे निकालेंगे, तो वो इंटीग्रेशन से ही निकलेगा, जिसका मतलब है इट इज द रिवर्स ऑफ दिस इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अब हम सेकंड मीनिंग पर आते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, कि वो है एरिया अंडर कर्व। कि इससे हमें पता लगता है कि हम अगर एक ग्राफ ड्रॉ करें और उसकी कर्व ड्रॉ करें, उसके कर्व के अंदर कितना एरिया उसने दिया है। फॉर एग्जाम्पल हमें इन ज्योमेट्रिकल फिगर्स का एरिया तो पता होता है, फॉर एग्जाम्पल ट्राइंगल, दिस रेक्टेंगल, एवन सर्कल, इनका तो हमें पता होता है क्या फॉर्मूला है। बट वी डोंट नो अगर आपको ऐसे कर्व मिल जाए और इसके अंदर का एरिया बताओ, ये एरिया, तो आपके पसीने छूट जाएंगे क्योंकि आप निहार नहीं नहीं सकते है ना, तो क्योंकि इसमें ना सर्कल बन रहा है ना आपका रेक्टेंगल बन रहा है, आप कैसे निकालोगे। तब आपके पास आती है इंटीग्रेशन की जरूरत। अब मक्स पर आपके पास ऐसे नहीं कोई भी कर्व आप निकाल सकते हो, उस कर्व का फंक्शन पता होना चाहिए कि उस वो जो कर्व है वो किस फंक्शन को फॉलो कर रही है, तो अगर वो पता है देन आप निकाल सकते हो एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है, और एरिया अंडर दैट स्लोप। अगर मैं इसको और सिंपलीफाई करूं, देखो अगर मैं और सिंपलीफाई करूं, ये है हमारा कोई ग्राफ, इज अ वाई एक्सिस, देयर इज माय एक्स एक्सिस, और ऐसा है आपका ग्राफ। अगर आप देखो कि अगर इसका मुझे पता है कि दिस फंक्शन इज समथिंग लाइक दिस, वन प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी ऐसा फंक्शन है, और ये मुझे निकालना है एक की पॉइंट लेते ना, ऐसा कोई ग्राफ है, तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया कैसे निकालोगे, एरिया वुड बी नथिंग बट जो एफ एक्स है इंटू डी एक्स, मतलब अगर हम यहां पर एक स्मॉल स्ट्रिप लें जिसकी मान लो कि ये पूरा एरिया इन स्मॉल स्ट्रिप्स का ही बना है, दिख रही होगी आपको, नहीं दिख रही तो मैं हाईलाइट कर देता हूं, दिस इज माय वेरी स्मॉल स्ट्रिप ऑफ मिनिमम वेट dx, इसकी विड्थ होगी dx एंड इसकी जो लेंथ है दैट इज y, और y किसके बराबर है, fx के बराबर है, तो एरिया क्या हो गया, दिस विड्थ इनटू दिस y, y क्या है fx, तो एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप अब बन गई ना यहां पर, दिस इज द रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज विड्थ इनटू लेंथ, तो यहां पर विड्थ क्या होगी dx एंड fx होगी ये इसकी लेंथ fx, एंड हम मान के चलते हैं इन्हीं स्ट्रिप का ये एरिया बनकर मिला है, इन्हीं स्ट्रिप्स का ये पूरा एरिया मिलकर बना है, ठीक है, तो हम फिर क्या करेंगे, उनका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज नथिंग बट वो आगे मैं बताऊंगा इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, मतलब ऐड करना, ऐड, ठीक है, तो ऐड कर दिया तो उसे हमें क्या मिल गया, एरिया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अब इसकी एप्लीकेशन बात आ गया, एप्लीकेशन में कि हम कब यूज करेंगे इंटीग्रेशन को, कि इंटीग्रेशन तभी यूज करेंगे अगर हमारे पास, अगर फिजिक्स की बात करते हैं तो ऐसे सिस्टम्स जो कि सिस्टम भी नहीं कहूंगा क्योंकि कई बार आप कुछ सी फंक्शन को ही इंटीग्रेट करते हैं फिजिक्स में भी, तो सिस्टम और फंक्शन, तो किसी भी सिस्टम या किसी भी फंक्शन को तभी इंटीग्रेट कर सकते हैं जब वो सिस्टम या फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो। हम एग्जांपल लेंगे फंक्शन, देखो अगर हमारे पास ऐसा समझे सिस्टम जैसे चार पार्टिकल्स है, तो ये अलग अलग पार्टिकल्स हैं, तो यहां पर हम इंटीग्रेशन नहीं यूज करेंगे क्योंकि ये दिस इज अ डिस्क्रीट सिस्टम, दिस इज नॉट ए कॉन्टिन्यूस सिस्टम। कॉन्टिन्यूस सिस्टम कैसा, एक रॉड है और रॉड में जो पार्टिकल्स होंगे वो बहुत ही क्लोज होंगे,
तो उनको हम डिस्टिंग्विश कर ही नहीं सकते, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, उन सिस्टम्स के लिए हम इंटीग्रेशन अगर एप्लीकेबल होगी तो करेंगे, बट डिस्क्रीट में तो बिल्कुल भी नहीं इंटीग्रेशन हम अप्लाई करेंगे। उसमें क्या करेंगे, उसमें हम समेशन करेंगे, समेशन ऐसा है, और अगर कॉन्टिन्यूस होगा तो वो भी समेशन इसमें कन्वर्ट हो जाती है हमारे इंटीग्रल साइन में। ठीक है, तो तब हम यूज करेंगे, और यही कॉन्सेप्ट, यही मैंने कुछ बातें हमारे जो सेंटर ऑफ मास की वीडियो लेक्चर नंबर 2 है उसमें मैंने ये बताया है कि डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस सिस्टम, वहां से भी आप एड आइडिया ले सकते हैं, और उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और विजिट करिए, वहां पर मैंने सेंटर ऑफ मास के बारे में बताया। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए।